हेलो जी कैसे हो सारे दिस इज लव एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प तो ये हमारा लेक्चर नंबर फोर्टी रिकर्जन सीरीज की टेन डे चैलेंज में हमारा टेंथ डे है और यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाला इसका नाम है रैट इन अस प्रॉब्लम बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है इसके बाद आपके रिकर्जन पे पकड़ तगड़ी हो चुकी होती है अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं तो आप अच्छे से रिकर्जन वाले वे में सोच पा रहे हैं प्रॉब्लम्स को ठीक है तो सबसे पहले समझते प्रॉब्लम है क्या उसके बाद आगे पढ़ेंगे अप्रोच कैसी होगी सोल्यूशन कैसे निकालना वगैरह 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 ठीक है तो प्रॉब्लम ये कहते हैं कि आपको ना इनपुट में एक मेज दिया हुआ होगा एक भूल भुलैया दी हुई होगी ठीक है जैसे कि मान लेते हैं ये टू डी जो है इसको हम एक भूल भुलैया कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा ये आपको इनपुट में दिया हुआ है ठीक है इसका नाम इन्होंने इनपुट में दे रखा है एम यहाँ पे आप देख पा रहे हो ठीक है इन्होंने क्या बोला कि ये इंडेक्स है जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री ये आपका एक्स है ये आपकी रोज है ये आपका वाई है ये आपके कॉलम्स है। है। हैं। बहुत बढ़िया वैल्यू अगर हम लिखना जाएं तो ये है ट्रिपल वन तो उन्होंने क्या बोला यार किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वन का मतलब है ओपन पाथ क्या आप यहाँ पर जा सकते हो अलाउड है ठीक है इन शॉर्ट आपको यहाँ पर जाना अलाउड है आपके चूहे को और जीरो का मतलब है यार यहाँ पे नहीं जा सकते अलाउड नहीं है नॉट अलाउड ठीक है तो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला क्वेश्चन ने ये बोला कि आप ना जीरो कोमा जीरो पे खड़े हो आपका सोर्स जो है वो है जीरो कोमा जीरो आप यहां पर खड़े हो और आपको डेस्टिनेशन आपको पहुंचना कहां पे एन माइनस वन कोमा एन माइनस वन इस केस में ये आपकी डेस्टिनेशन है आपको यहां पहुंचना है तो इन शॉर्ट आपका सोर्स ये है और इस ये आपकी डेस्टिनेशन है आपको इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है आ, वन का मतलब है ओपन पाथ यानी इस वन से इस वन तक आप जा सकते हैं इस वन से इस वन तक आप जा सकते हैं इस प्रकार बट वन से जीरो वाली मूवमेंट पॉसिबल नहीं है कोई भी अगर चूहा है तो वो चार तरीके की मूवमेंट कर सकता है वो या तो ऊपर जा सकता है वो या तो राइट जा सकता है या तो डाउन जा सकता है या तो लेफ्ट जा सकता है ठीक है ये चार तरीके की मूवमेंट उसको अलाउड है तो क्वेश्चन को रैपअप अगर करना हो तो आपको ये मेज दी हुई है ये 2D एरे दिया हुआ है जहां पे वन पे आप जा सकते हैं जीरो पे आप नहीं जा सकते हैं स्टार्टिंग आप करेंगे जीरो कोमा जीरो से और डेस्टिनेशन आपका है एन माइनस वन कोमा एन माइनस वन एक चूहे को लेफ्ट राइट अप डाउन ये चार मूवमेंट अलाउड है आपको सारे के सारे पाथ हमें देने हैं एग्जाम्पल के लिए लेफ्ट से इस वन से यहाँ पे आऊंगा डाउन डाउन फिर राइट डाउन राइट राइट ठीक है जब आप यहाँ से यहाँ पे आए तो आपका रा आंसर होगा गया डी फिर आप यहां से यहाँ पे गए फिर एक और डाउन फिर आप राइट गए आर आ गया फिर आप डाउन गए डी आ गया फिर आप आर गए राइट फिर एक राइट गए ये तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है डाउन डाउन राइट डाउन राइट राइट डाउन डाउन राइट डाउन राइट राइट एक पॉसिबल सोल्यूशन है जिससे आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं ऐसे जितने भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने Vector, यहाँ पे दिख रहा आपको string, में दे रखा है फुलफिल करते हुए ये वाली चार मूवमेंट का कर यूज करते हुए और सारे के सारे पाथ मुझे एक वैक्टर में स्टोर करा के आउटपुट में देने हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन में समझ में आ चुका अप्रोच तक पहुंचने से पहले अप्रोच के बारे में सोचने से पहले एक बार शाउट देते हैं हमारे वीडियो के स्पॉन्सर्स को और फिर हेल्प करते हैं कोडिंग निजाज क्या है इट इज वन लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्सेज के अंदर आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार मशीन लर्निंग कर लूँ एंड्रॉड कर लूँ डमेंट करूँ सर कर लूँ कोर सब्जेक्ट ओ एस डी बी एम एस वगैरह पढ़ लूँ मैं यार डी कर लूँ जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग की वो ये कि यहाँ पर वन ऑन वन डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक से दो घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा कोर्सेस जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है लैंग्वेज की अगर बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोज में मिल जाएंगी तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा धन्यवाद करते हैं अप्रोच के बारे में कैसे इस प्रॉब्लम को मुझे अप्रोच करना है ठीक है समझते हैं सबसे पहले तो अप डाउन लेफ्ट राइट क्या चीज है जिसमें वाई है जीरो जीरो अगर आप मान लो मूवमेंट की बात कर रहे हो तो यानी आप यहां से यहाँ तक गए मतलब कहीं से भी जा रहे हो ऊपर की तरफ जा रहे हो बेसिकली तो आपको क्या दिखा एक्स में आप टू से वन तक गए एक्स डिक्रीमेंट हो गया तो एक्स माइनस वन हुआ और वाई देखो वन था जब ऊपर चले गए तब भी वन था तो वाई सेम रह गया ठीक है डाउन मूवमेंट की बात करते हैं हम लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ तो मुझे देखा वाई तो अभी भी सेम है यार तो वाई सेम है इस केस में एक्स जीरो से वन हो गया यानी एक्स इंक्रीमेंट हो गया एक्स प्लस वन हो गया ठीक है फिर अगर लेफ्ट वाले केस की अगर बात करें लेट से आप यहां से यहाँ गए हैं तो एक्स इसमें सेम है वाई थ्री था टू हो गया तो वाई डिक्रीमेंट हो गया और एक्स सेम रह गया और अगर राइट मूवमेंट की बात करें जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक चले गए तो एक्स देखो अभी है और वाई इंक्रीमेंट हो गया तो एक्स कमा वाई प्लस वन ये क्यों लिखा है समझाएंगे आपको पर आपको चार मूवमेंट समझ में आ गएगी जब ये चार मूवमेंट होती है तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप आप जाते हैं तो आपका एक्स माइनस हो जाता है डाउन जाते हैं एक्स बढ़ जाता है लेफ्ट जाते हैं वाई माइनस हो जाता है राइट जाते हैं तो वाई बढ़ जाता है तो ये चार मूवमेंट आपको पता लग गई जो आपका चूहा मूव करने वाला है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है नए कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं ठीक है देखे? तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है आगे बढ़ते हैं दोबारा से मैं आपका एरे बना देता हूँ ठीक है तो इसके अंदर आपके एलिमेंट पड़े हुए हैं ठीक है इसका एरे का नाम है एम ठीक है तो अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करना है मुझे क्या पता कि मैंने यहां से स्टार्ट किया है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है सो सोलेट से मेरे पास कुछ सोर्स इंडेक्स है मैंने इसका नाम रख दिया है कि यार इसका नाम मैंने रख दिया कि मैंने सोर्स का एक्स के कॉर्डिनेट जो कि जीरो है और सोर्स का वाई का कॉर्डिनेट जो कि जीरो है तो जीरो का जीरो पर मैं स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ हूं यहां पर मैं बैठा हुआ हूं स्टार्टिंग में अब मेरे पास चार तरीके हैं ठीक है मैंने रिकर्जन मुझे पता है रिकर्जन क्या होता है कि एक केस सॉल्व कर लूंगा बाकी चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी तो मुझे एक केस सॉल्व करना है एक आंसर निकालना है बाकी सारे आंसर अपने आप निकल जाएंगे तो मैंने क्या बोला मैं जीरो को माँ जीरो बैठा हूँ मेरे पास चार चॉइस है कि मैं डाउन जाऊँ लेफ़्ट जाऊँ राइट जाऊँ अप जाऊँ ये चार चॉइस मेरे पास पड़ी हुई है इनमें से क्या करना है अभी देख लेते हैं मैंने पहले बोला कि डाउन जा सकता है उसने बोला कि हाँ देख लेता हूँ डाउन में वन ही पड़ा हुआ है तो ऐसा करता हूँ डाउन चला ही जाता हूँ तो आप डाउन चले गए आपका जो आंसर था आंसर था आपका जो पाथ था उसके अंदर डी आ गया बहुत बढ़िया तो आपका डाउन हो गया अब जब यहाँ पे आ गए मैंने उससे फिर दोबारा पूछा यार फिर दोबारा डाउन जा सकता है उसने बोला हाँ दोस्त नीचे वन ही है जा सकता हूँ तो चला गया और उसने इसको भी डी कर दिया फिर अब उसको मैंने पूछा दोबारा कि डाउन जा सकता है दोबारा एक बार वो बोला नीचे नहीं यार जीरो नहीं जा पाऊँगा मैंने बोला लेफ्ट मैंने बोला लेफ्ट से तो मैं बाहर हो जाऊँगा मैट्रिक्स के ये भी नहीं कर सकता मैंने बोला राइट उसने राइट चेक किया करा हाँ वन पड़ा हुआ जा सकता हूँ तो वो राइट चला गया ठीक है तो जब मैं इस राइट पर आ गया अब मैंने उससे बोला कि डाउन जा सकता है तो उसमें मेरा नीचे वन तो पड़ा जा सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर डाउन डाल दिया फिर मैं दोबारा यहाँ पर आगे पूछा डाउन जा सकता है उसमें नहीं फिर मैं बोल लेफ्ट जा सकता है उसमें लेफ्ट में ज़ीरो पड़ा लेफ्ट नहीं जा सकता मैंने पूछा राइट जा सकता है उसमें राइट तो वन पड़ा हुआ है हाँ यार राइट जा सकता हूँ तो राइट आ गए अब यहाँ पर आके मैंने उससे दोबारा पूछा डाउन जा सकता है उसने बोला नहीं यार मैंने उससे पूछा लेफ्ट जा सकता है हो अब क्या हुआ जब मैंने सोचा लेफ्ट जा सकता उसने बोला हाँ वन तो पड़ा हुआ है वो चला गया लेफ्ट तो ये क्या हुआ हम यहीं से तो आए थे तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं 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 तो एक तरह से इन्फेनाइट लूप हो गया हमें एक मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा जहाँ से हम इस इन्फेनाइट लूप से बच जाए तो मैंने क्या करा मैंने क्या करा मैंने एक ना वेस्ट डायरे बना लिया मैंने एक वेजिटे डायरे बना लिया समझाते हैं क्या मतलब इस बात का तो मैंने एक ऐसा एरे क्रिएट कर लिया जिसका यूज करके मैं बताऊंगा कि यार तू यहाँ से जो जिस सेल पर जाने की कोशिश कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है वहीं से तो आया हुआ हो तो कैसे पता लगेगा ये तो मैंने यहाँ पे एक वेजेड एरे बना लिया स्टार्टिंग में जीरो ही है मैं स्टार्टिंग में सारे जीरो पड़े पड़ेगा और अब हम इस वेजड एरे का यूज़ करके ही आगे बढ़ेंगे इसका नाम हम रख दिया विजिटेड जीरो वन टू थ्री ज़ीरो वन टू थ्री तो अब हम दोबारा शुरू से करेंगे इसको सॉल्व और देखते हैं कि ऐसा होता है तो यहाँ पर मैं आपका एरे बना देता हूँ एक बार दोबारा तो ये वाला कौन सी आ रहा है आपका एम्बल एर होगा इसका इंडेक्स है जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री और हमने क्या बोला इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है वन ट्रिपल जीरो वन वन जीरो, जीरो वन 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 जीरो जीरो और यहाँ पर जीरो ट्रिपल वन ठीक है तो हमारे पास ये दो एरे पड़े हुए हैं मैं किसी भी पोजीशन पर जाऊंगा तो उसको वेस्ट मार्क कर दूंगा और अगर मैं वापस आया तो वहां से तो उसको अनवेस्ट कर दूंगा तो मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला स्टार्ट करते हैं मैंने बोला सोर्स जो है ना यार सोर्स वो क्या शुरू में जीरो के जीरो है तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पर बैठे हुए हैं अब जब यहाँ पर बैठे हैं तो मैंने आपसे पूछा यार पाथ तो अभी क्या है पाथ तो एक, एक एम स्ट्रिंग है जो मुझे पाथ निकालना है तो मैंने आपसे पूछा यहाँ पर आके कि यार चार ऑप्शन है डाउन लेफ्ट राइट और अप मैंने उससे पूछा डाउन जाएगा क्या ये पूछा उसमें मैं डाउन डाउन जाने की दो कंडीशन चेक कर लेता हूँ पहली चीज़ कि ये वन होना चाहिए नीचे वाला तो ठीक है वन तो है सेकंड कि वेस्टेड नहीं होना चाहिए ठीक है वेस्टेड भी नहीं है तो उसने मेला हाँ डाउन जा सकता हूँ तो अब डाउन जो है चले गए तो आपने इसको वेस्ट मार्क कर दिया बहुत बढ़िया अब जब यहाँ पहुँच चुके हैं फिर मैंने पूछा दोबारा डाउन जाएगा क्या उसने मैं डाउन उसमें चेक किया अरे हाँ यार वन तो पड़ा हुआ है फिर यहाँ पे चेक किया हाँ यार वेस्टेड भी नहीं है तो उसने बोला हाँ जा सकता हूँ वो चला गया और उसने इसको वेस्ट मार्क कर दिया स्टार्टिंग में अब इस डब्बे में थे तो आपने इसको विश्व मार्क कर दिया वो शुरू में ही ठीक है अब जब यहाँ पे आप आए तो मैंने आपसे पूछा यार डाउन जाएगा उसमें यार नीचे ज़ीरो पड़ा नहीं जा सकता मैंने बोला लेफ्ट जाएगा उसमें लेफ्ट जाऊँगा लेफ तो बाहर हो जाऊँगा बाहर भी जा सकता मैंने पूछा राइट जाएगा उसमें राइट एक मिनट रुक यहाँ वन पड़ा हुआ है और यहाँ वेस्टेड भी नहीं है तो हाँ जा सकता हूँ इसको वेस्टेड मार्क कर दिया फिर आपने ठीक है और जब आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं फिर मैंने पूछा डाउन जाओगे आपने बोला कि डाउन हाँ वन तो पड़ा हुआ है और वेस्टेड भी नहीं है तो ठीक है चला जाता हूँ चले गए आपने इसको वेस्टेड मार्क कर दिया फिर उन्होंने पूछा डाउन जाएगा और आपने बोला नहीं जा सकता यार बाहर हो जाऊँगा मैंने बोला लेफ्ट जाएगा आपने बोला नहीं जा सकता यार मैंने बोला राइट जाएगा आपने बोला यार ये वन भी है और ये वेस्टेड भी नहीं है तो चला जाता हूँ जब आप चले गए आपने इसको वन मार्क कर दिया बहुत बढ़िया फिर हमारा डाउन जाएगा आपने बोला यार डाउन तो नहीं जा सकता बाहर हो जाऊँगा मैंने बोला लेफ्ट जाएगा अब लेफ़्ट चेक करना आप आपने बोला यार ये तो पहले से विजिटेड है ये तो पहले से ही विजिटेड है तो यहाँ तो नहीं जा सकता तो ये फ़ायदा वो हमारा वेस्टेड रहेगा क्या वो उस साइकिल में नहीं फंस गया अब आपने बोला लेफ़्ट नहीं जा सकता क्योंकि पहले से वेस्टेड है फिर मैंने बोला यार राइट जाएगा क्या आप बोला यार वन तो पड़ा हुआ है और वेस्टेड भी नहीं है तो इसको वन मार्क कर दो और चला जाता हूँ तो अब राइट चले गए तो इस प्रकार आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गए ठीक है आंसर कैसे बना होगा आप पहले डाउन गए थे तो पाथ के अंदर क्या हुआ होगा पाथ के अंदर पहले डी आ गया होगा फिर यहाँ से आप फिर से डाउन गए थे एक और डी आ गया होगा फिर यहां से आप राइट गए थे फिर एक आर आ गया होगा फिर यहाँ से डाउन गए थे फिर डी आ गया होगा फिर यहां से राइट गए थे डी आ गया होगा फिर यहाँ से फिर राइट गए थे आ, आर आ गया होगा तो इस प्रकार आपका एक पॉसिबल सोल्यूशन आपने निकाल लिया होगा इस प्रकार आपने ये पॉसिबल सोल्यूशन निकाल लिया होगा ठीक है इसको ड्राई रन करेंगे एग्जाम्पल को किस प्रकार करना है वो चीजें आएंगी बट अभी आपको मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ किस प्रकार चीजें चल रही हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैं किसी भी जगह से दूसरी जगह पे जाता हूं तो मैं कुछ सेफ्टी फैक्टर चेक करता हूँ मैं चेक करता हूँ यार अगर मैं किसी भी आई कौमा जे से किसी भी के कॉमा एल पोजिशन पे जाता हूँ तो मैं क्या कंडीशन चेक करता हूँ पहली कंडीशन कि यार वो पोजिशन जो है वो मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए ये ना हो कि मैट्रिक्स के बाहर चला गया ठीक है पहली कंडीशन ये चेक कर लेता हूँ फिर मैं सेकेंड कंडीशन क्या चेक करता हूँ जो मेरा एम ऑफ के एल है यानी जिस जगह मैं जा रहा हूँ यहां से यहाँ जा रहा हूं ना जो एम एफ के एल है वो यार वन होना चाहिए ये ना, जीरो, क्योंकि वन का मतलब पाथ, है ना? और जीरो का मतलब पाथ तो वन होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या चेक करता हूं मैं कि यार जो मेरा विजिटेड होगा जिस पोजिशन पे मैं जा रहा हूँ उसका जो विजिटेड होगा वो यार अनविजिटेड होना चाहिए जीरो होना चाहिए जी उस पर तो अगर ये तीनों कंडीशन होती है तो, तो मैं बोलता हूँ यार सेफ टू मूव सेफ टू मूव कहा से जा रहे हो आई कमा जैसे के कमाइल तो अगर ये तीनों कंडीशन है तो मूव कर जाता हूं ठीक है अब जब भी मैं मूव करता हूं जब भी मैं मूव करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ वेस्ट को ट्रू मार्क कर देता हूं वेस्टड को ट्रू मार्क कर देता हूं हमेशा मूव करने के बाद ठीक है ये चीज भी एक चीज मैंने यहां पे सीखी अभी और मैंने क्या देखा कि यार जैसे ही मान लो कि यहां से फंक्शन कॉल वापस गई होगी अब यहां से फंक्शन रिटर्न कर गया होगा वापस यहां पर तो ये वापस जीरो हो जाना चाहिए फिर यहां से फंक्शन कॉल वापस यहाँ रिटर्न करिए होगी फिर ये भी जीरो हो जाना चाहिए फिर यहां से फंक्शन कॉल वापस यहां से गई होगी यू रिटर्न एजेंसी जीरो ऐसे करते करते मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जब फंक्शन कॉल रिटर्न होती है returns, तो उसके से मैं क्या करता हूं विजिटेड को वापस से फॉल्स मार्क कर देता हूं मैं विजिटेड को वापस से फॉल्स मार्क कर देता हूँ क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे देखो जैसे एक सॉल्यूशन मैंने ऐसे निकाल लिया ना कि ऐसे आओ ये एक सोल्यूशन है वैसे एक सोल्यूशन ऐसे भी तो हो सकता है कि ऐसे आए है ना तो उसके अंदर अगर मैंने सारे पहले से वेस्ट कर रखे होंगे तो आप तो यहीं पे आके यहाँ रुक जाओगे इसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे बोलोगे यार आगे तो वेस्टिड है नहीं जा सकता तो इसलिए हम जब भी फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं मेक श्योर आप बैक ट्रैक करते हुए इसको फॉल्स मार्क कर दें ठीक है तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपने यहाँ पर लिख ली है और अब आप शायद कोड कर पाएंगे मेरे हिसाब से आप कोड कर पाएंगे ठीक है हमें अब तक दस बीस तीस परसेंट लॉजिक हो गया होगा समझ में आ चुका चुकेगा ऐसे ऐसा कुछ करने वाले हैं वो इसी बार कोड डाउन कर देते हैं हो जाए टेंशन ना ले हम बैठे आगे करवा देंगे आपका अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मुझे क्या समझ में आ रहा मारे मुझे आउटपुट में ये आंसर को ही देना है तो मैंने एक आंसर क्रिएट कर लिया आंसर और मैं आगे बढ़ गया मैंने बोला मेरा सोर्स का एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या है जीरो मैंने बोला मेरा सोर्स का वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है जीरो ठीक है जीरो का मजूरी पर हम स्टार्टिंग में खड़े थे तो हमने देखा ही था यहाँ पे है ना ये हमने देखा था अब मैंने क्या बोला मैंने बोला कि मुझे एक वेस्ट वाला वेक्टर बनाना है तो फटाफट से एक वेस्ट वाला वेक्टर बना ला और उसको निश्चाज कर दूंगा जीरो के साथ तो मैंने ये विजिटेड वाला एक वेक्टर बना लिया और इसको इनिशलाइज कर दिया जीरो के साथ इस प्रकार मैंने विजिटेड ऑफ आई जे को जीरो से मार्क कर दिया ठीक है मैं लिख देता हूं आपके लिए इनिशियलाइज विद जीरो ठीक है अब मैंने आगे क्या किया मैंने बोला मेरा एक पाथ भी होगा एक स्ट्रिंग बना ली मैंने उसके लिए स्ट्रिंग पाथ एम पी स्ट्रिंग दे दी स्टार्टिंग में ठीक है अब मैंने और क्या बोला कि यार मेरा सॉल्व फंक्शन होगा उसमें ये सब सेंड कर दूंगा एम कॉमा एन कॉमा ए एन एस कॉमा एस आर सी एक्स कॉमा एस आर सी वाई कॉमा विजिटेड कॉमा पाथ ठीक है फिर मुझे पता है कि मेरा जो भी आंसर आएगा उसको मुझे लेक्सोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में भेजना है, है? यानी सॉर्ट करना है बेसिकली तो मैंने सॉर्ट कर लिया अपने आंसर को यहाँ पे ए एन एस स्टार्ट बिगिन बिल्ड फंक्शन का यूज करके एन एस डॉट एंड से तो मैंने शॉर्ट कर लिया मैंने अपना आंसर रिटर्न कर लिया बहुत बढ़िया ये चीज समझ में आ गई एक चीज और की जा सकती है हमने क्या बोला कि हमारा जो सोर्स होगा वो क्या होगा जीरो कॉमा जीरो यानी स्टार्टिंग में हम यहां पर बैठे होंगे लेट से अगर यहां पे जीरो पड़ा हुआ तो अगर यहां पर ही जीरो पड़ा हुआ यानी मैं इस सेल पे ही नहीं आ सकता यानी मैं अपने सोर्स पे ही नहीं आ सकता बहुत ही इलॉजिकल केस है बट मान लेते हैं अगर यहां पे जीरो पड़ा हुआ जीरो कॉमा जीरो पे तो इसका मतलब चूहा जो सोर्स पे नहीं पहुंच सकता जब चूहा यहाँ पर ही नहीं पहुंच सकता तो यहाँ से वो यहां तक तक डेस्टिनेशन जाएगा? जा नहीं पाएगा। तो इन शॉर्ट लिख देते हैं फटाफट से हमने लिख दिया अपना रिटर्न कर दो आंसर खत्म ये कर दिया अब सिंपल अपने सॉल्व वाले फंक्शन पे चलते सॉल्व इसके अंदर फटाफट से सब चीजें डाल दो एम कमा एन और उसके बाद हमने एक आंसर बनाया है आंसर को याद रखना कि बाय रेफरेंस डालना है बाय पास बाय वैल्यू करेंगे तो सारा आंसर का ट्रैक हट जाएगा हम अगर बाय रेफरेंस करते हैं तो इसी मेमोरी में, में सारे के सारे चेंजेस हो रहे होंगे इस चीज़ का ध्यान रखें कृपा करके यहाँ मैंने इंट एक्स इंट वाई और यहाँ मैंने अपना विजिट वाला भेज दिया और फिर मैंने स्ट्रिंग पाथ भेज दी ठीक है अब रिकर्जी फंक्शन है तो मैंने पहले एक बेस केस लिख दिया बेस केस क्या होगा कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हो करंट करट है एक्स डेस्टिनेशन एन माइनस वन को माइनस वन तो मैंने बोला अगर एक्स इक्वल टू एन माइनस वन एंड वाई इज इक्वल टू इजल टू एन माइनस वन यानी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं तो चुपचाप चाप अपने आंसर में अपना पाथ स्टोर कराओ और रिटर्न कर जाओ बहुत बढ़िया ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ डेस्टिनेशन क्या है इसलिए हमने इसको कंपेयर कर लिया करंट इंडेक्स से अब मैंने क्या बोला कि यार यहाँ पे आते आते तो मैं एक्स कॉमो वाई पे पहुंच चुका हूँ यानी मैं इस फंक्शन में अगर पहुंच चुका हूँ तो यार मैं एक्स कॉमा वाई पे आ चुका हूँ समझ मैं ये में ये चीज हमें यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं यू हैव रीच्ड एक्स कॉमा वाई हेयर आप एक्सम पहुंच चुके हैं तो मैं बोल सकता हूँ किस ऑफ वाई मार्क कर दिया मैंने ठीक है वेषु वन मार्क कर दिया और मैंने आपको बोला कि जब भी फंक्शन से वापस जाओगे तो इसको वापस जीरो कर देना तो फंक्शन से वापस जाओगे मतलब ये वाले ब्रैकेट के पास जब भी होगे तो इसको मैंने जीरो मार्क कर दिया अब इसके बीच में कुछ कुछ फंक्शन लिखना है मुझे मैंने बोला मेरे पास चार चॉइसेस हैं यार मेरे पास चार चॉइसेस हैं वो क्या है डाउन चला जा लेफ्ट चला जा राइट चला जा अप चला जा इस प्रकार अगर पहली चॉइस की बात करूँ डाउन की डाउन की केस है मुझे क्या पता है कि अगर मुझे x कॉमा वाई से डाउन जाना है तो डाउन के केस में क्या बन जाएगा x प्लस वन कॉमा वाई तो मैंने बोला कि यार नया x क्या हो गया एक्स प्लस वन। और नया y क्या हो गया सेम वही पुराना रहेगा है ना तो जब मैं क्या करता हूं x कॉमा वाई से डाउन जाता हूँ तो मेरे कोर्डिनेट इस प्रकार चेंज हो जाते हैं अब मैंने क्या बोला कि यार मुझे चेक कर लेता है अगर बस कि यार यहाँ जाना सेफ है या नहीं है सेफ होने के कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए थे ये बताए थे ना तीनों स्टेप्स यार, मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए, m -K -L -1 होना चाहिए, चाहिए, जो है वो जीरो होना चाहिए। तो मैंने बोला एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और एम पास कर कर करता हूँ ये सब क्यों पास किया है? क्योंकि मुझे वाली तीन कंडीशन मैच करनी है तो फटाफट से फंक्शन लिखते हैं भूल इज सेफ इसके अंदर एक्स भेजा है वाई भेजा है एन भेजा है और उसके बाद मैंने अपना विजिटेड भेजा है और फिर मैंने अपना एम भेजा हुआ है, ठीक है तो मैंने कुछ कंडीशन लिखनी है और कुछ नहीं है पहली कंडीशन क्या है कि यार एक्स गिड़दर टू जीरो एंड एंड एक्स लेस देन एन अगली कंडीशन क्या है सेम वाई के लिए लिखना पड़ेगा वाई गिड़दर टू जीरो एंड एंड वाई लेस देन एन तो आपने बेसिकली चेक किया कि जो भी आप जहां भी आप जा रहे हो

यार यहाँ सेफ नहीं है जाना तो आपने फॉल्स रिटर्न कर दिया ठीक है तो आपका इस सेफ फंक्शन भी आपने क्रिएट कर लिया अब आपने बोला कि यार यहां पे आके यहाँ से जाना सेफ है अगर यहाँ जाना सेफ है तो भैया पाथ में इंक्लूड कर लो इसको पाथ डॉट पुश बैक डाउन जा रहा हूं तो डी इंक्लूड कर लिया बाकी तो रिकर्जन संभाल लेगा रिकर्जन कॉल मार दिया आपने, आपने।, आपने सॉल्व कर दो एम कॉमा एन कॉमा आंसर कॉमा न्यू एक्स कॉमा न्यू वाई कॉमा विजिटेड कमा पाथ बाकी लेगा अब एक चीज मेक श्योर करना कि यहाँ से जब भी वापस आते हो बैक ट्रैक करते हो जब इस फंक्शन कॉल से वापस आओगे तो पाथ में से जो डी डाला ना वो हटा देना पाथ डॉट पॉप बैक हटा देना यार वो है ना अब ये आपने डाउन की फंक्शन कॉल लिख ली मैंने बोला इसी प्रकार बाकी सारी फंक्शन कॉल भी लिखनी है आगे क्या है लेफ्ट की फंक्शन कॉल लिखनी है तो मैंने बोला लेफ्ट की फंक्शन कॉल लिख के दिखाओ एक बार आपने बोला भैया अभी लिख देता हूँ ये हो गया आपका लेफ्ट अब लेफ्ट के केस में देखते हैं एक बार नया एक्स और नया वाई क्या बनता है लेफ्ट के केस में आपने देखा था कि लेफ्ट के केस में बनता है तो ये हो हो गया गया और केन बहुत बढ़िया लेफ्ट केस में इसको मुझे एल करना पड़ेगा ठीक है लेफ्ट का केस भी लिख दिया आपने यार अब आपने बोला कि राइट का केस लिख देता हूं आपने बोला राइट राइट के केस में गए तो एक्स कोमा वाई प्लस वन ठीक है इसको प्लस करना है बस और ये एल को हमने आर कर दिया बहुत बढ़िया फिर मैंने बोला अप वाला देखो अप वाला क्या है एक्स माइनस वन कॉमर वाई तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स माइनस वन और ये वाई और आपका केस है तो ये यू हो गया यहाँ पे अप लिख देते हैं बहुत बढ़िया और आपने जाने से पहले बिछड़ को, को जीरो मार्क कर दिया बहुत बढ़िया तो मैंने बोला आपका फंक्शन तो रेडी है बिल्कुल यार आपने जो जो चीजें चाहिए थी वो चीजें कर दी हैं अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं मैंने बोला रन करना है एक बार आपने चलाया और ये चल गया आ, मैंने बोला सबमिट करके देख लो एक बार आपने सबमिट किया और ये चल गया पहले अटैम्प में सौ परसेंट एक्ट्रेसी के साथ हमने इसको कर लिया है बहुत बढ़िया तो अब कोड को समझने की ट्राई करते हैं दोबारा से हुआ क्या है ठीक है सबमिट भी कर दिया आप कोई टेंशन नहीं है आप ड्राई रन करेंगे आपको समझाएंगे और काम हो जाएगा हमने क्या बोला कि हमें सारे के सारे पाथ निकालने थे उसके लिए हमने क्या किया एक आंसर बनाया क्योंकि ये मुझे इसी आउटपुट में भेजा था फिर मैंने कहा बोला अगर मान लो कि स्टार्टिंग पोजीशन जीरो है तो उसके में आप कुछ नहीं कर सकते आपका चूहा खड़ा ही नहीं सकता सोर्स के ऊपर तो आप डेस्टिनेशन कैसे पहुंचोगे आपने उस केस को एम्प्टी आंसर रिटर्न कर दिया आपने सोर्स बोला स्टार्टिंग में जीरो को में जीरो पे खड़े हो एक वेस्टशीट फैक्टर बनाया टू डी आर ए बनाया बेसिकली और उसका आपने जीरो से मार्क कर दिया स्टार्टिंग में एक पाथ बनाया जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग था आपने अपनी रिकर्सिव फंक्शन कॉल करी आंसर आपको शॉर्ट ऑर्डर में देना था और आपने आंसर रिटर्न कर दिया बहुत बढ़िया इतना आपको समझ में आ रहा होगा फिर हम जाते हैं हमारे मेन फंक्शन में इसका नाम है सॉल्व इसको समझते हैं सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है देखो सॉल्व फंक्शन में आप आ गए हो यानी आप एक्सों वाई तक पहुंच चुके हो ठीक है बेस केस क्या कहता है कि यार अगर डेस्टिनेशन पहुंच चुके हो तो डेस्टिनेशन पहुंचने का मतलब है कि आंसर में स्टोर कर लो पा तो रिटर्न कर जाओ और आप यहां पहुंच चुके तो वेज मार्क कर देना वन मैंने आपको क्या बोलता बैक ट्रैक करना जब भी फंक्शन कॉल से वापस जाओगे तो वेज को वापस जीरो कर देना आपने वो चीज भी कर दी फिर मैंने बोला चार ऑप्शन आपके पास या तो डाउन जाओगे लेफ्ट जाओगे राइट जाओगे अप जाओगे डाउन जाओगे तो आपका नया एक्स और नया वाई इस प्रकार बनेगा डाउन जाओगे मतलब एक्स की वैल्यू चेंज हुई है यानी कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो एक्स की वैल्यू जीरो थी अब वन हो गई तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हो प्लस वन हो गई एक्स को प्लस वन कर दिया आपने और वाई की वैल्यू देखो पहले भी टू थी अभी भी टू है इसके लिए भी टू थी इसके लिए भी टू, टू है तो आपने ये नए एक्स और नया वाई बना दिया नए एक्स और नई वाई पर जाने से पहले आपने सेफ चेक किया है ना सेफ है सेफ कैसे पता लगेगा ये तीन कंडीशन है यार मैट्रिक्स के अंदर होना चाहिए आपके एरे की वैल्यू ओपन होनी चाहिए वन यानी और वेषड जो है वो जीरो मार्क होना चाहिए आपने वो तीनों चीज़ें सेफ फंक्शन के अंदर यहाँ पे चेक कर ली बहुत बढ़िया अगर यहाँ जाना सेफ़ है तो आपने इंक्लूड कर लिया पाथ में इसको कि हाँ पाथ में इंक्लूड कर लेता हूँ पाथ में इंक्लूड कर लिया आगे के लिए कॉल कर दिया और वापस आते हुए पाथ को पॉप बैक कर दिया ठीक है तो ये चीज आप समझ चुके हैं ये चीज़ आप समझ चुके हैं पाथ को पॉप बैक क्यों कर रहे हैं भैया है? ये समझा दो बस ये समझ नहीं आया एग्जाम्पल देख लो ये वाला एक बार अगर यहाँ पे डी डाला है ठीक है फिर यहाँ फिर दोबारा डी डाला है फिर यहाँ आर डाला है फिर यहाँ क्या डाला है डाउन डी डाला है फिर यहाँ आर डाला है फिर यहाँ आर डाला है अब यहाँ वापस आओगे तो ये वाला आर तो तो हटाना पड़ेगा फिर यहाँ से यहाँ वापस आओगे तो ये वाला आर हटाना पड़ेगा फिर यहाँ से यहाँ वापस जाओगे तो ये वाला डी हटाना पड़ेगा यहाँ से वापस जाओगे तो ये आर हटाना पड़ेगा यहाँ से वापस जाओगे तो ये डी हटाना पड़ेगा फिर जब यहाँ जाओगे तो ये वाला आर इंक्लूड करना पड़ेगा अगर मान लो ये सब नहीं हटाया होता तो आपका पाथ क्या बन जाता तो यहाँ से ये बन जाता फिर यहाँ से इसका वाला आंसर वैसे आगे जुड़ जाता ऐसे करके सब गलत आता तो जब भी कहीं से वापस आ रहे हो जैसे मान लो यहाँ जाके यहाँ से वापस आ गए तो ये हटाना पड़ेगा फिर यहाँ से वापस आ गए तो ये हटाना पड़ेगा फिर यहाँ से वापस आ गए तो ये हटाना पड़ेगा बैक ट्रैक करते हुए इस चीज का ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पिछले दो तीन लेक्चर से मैं चीज़ देखते आ रहे हैं परमुटेशन के अंदर भी देखी थी फोन कीपेड वाले के अंदर भी देखी थी ठीक है अब एक बार ड्राई रन करते हैं ठीक है सबमिट तो हमारा होगा सक्सेसफुल चल रहा है एक बार ड्राई रन करते हैं किस प्रकार चलेंगी चीज़ें तो यहाँ पे फटाफट से अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसके बाद ड्राई रन करना शुरू कर देंगे यार ये आपका एम है जीरो वन ट्रिपल जीरो वन वन जीरो वन 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 जीरो जीरो और जीरो वन 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 ठीक है ये आपका एम वाला टू डी आर है फिर जो ये है ये आपका वेस्टेड एरे है इसका नाम है विजिटेड में जीरो जीरो पड़ा हुआ है ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई ये दो चीजें थी यार और आप स्टार्टिंग कहां से करोगे अभी जीरो कॉमर जीरो के लिए फंक्शन कॉल करोगे ठीक है चलो आपकी फंक्शन कॉल आती है सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए यार अंदर क्या है जीरो कोमा ज़ीरो के लिए फंक्शन कॉल जाएगी सबसे पहली जहाँ पे आपका पाथ जो है वो एम होगा अभी तो ठीक है और आपका पाथ जो है वो एम होगा ऊपर वेस्टडेरे की स्टेट आपको दिख रही है एम दिख रहा है और देखते हैं क्या क्या है एम है एन है आंसर है न्यू एक्स है न्यू वाई है वेस्टेयर है और पाथ है मैंने बोला स्टार्टिंग में सिर्फ यही है इसके लिए फंक्शन कॉल आई है जीरो कोमा जीरो और पाथ एम है इसके लिए आपकी फंक्शन कॉल आई है ठीक है चलो समझना शुरू करते हैं फटाफट तो आराम से सॉरी फटाफट करेंगे तो समझ नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है आप जीरो कॉमा इस वाले सेल के लिए फंक्शन कॉल आइए जीरो कॉमा ज़ीरो और ये ठीक है आप यहाँ पे गए ये वाली फंक्शन कॉल की मैं बात कर रहा हूँ सॉल्व वाली आपने बेस केस चेक किया बेसकेस कहता क्या, क्या? डेस्टिनेशन पहुँच चुके हो आपका आंसर आया फॉल्स से यार नहीं भी अभी नहीं पहुँचाऊँ आपने सबसे पहले इसको विजिड मार्क कर दिया तो आपने क्या कर दिया इसके लिए सबसे पहले इसको विजिटेड मार्क कर दिया तो ये वन हो गया ठीक फिर आपने क्या बोला चार ऑप्शन है आपने बोला स्क्वायर चार ऑप्शन है तेरे पास डाउन जाएगा लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा या अप जाएगा तो अब ये वाली कॉल पे मैंने इसे पूछा डाउन जाएगा क्या तो उसने बोला कि यार डाउन देखता हूँ अभी तो यहाँ पर कड़ाऊँ यहाँ से नीचे जाना है तो ठीक है मैट्रिक्स के अंदर तो हूँ और नीचे वन भी पड़ा है और ये वेस्टेड भी नहीं है तो ठीक है डाउन चले जाऊँगा उसने बोला हाँ भाई डाउन चला जाऊँगा उसने डाउन चला जाऊँगा बोल दिया जब डाउन गए तो डाउन में क्या हुआ नया एक्स यू एक्सप्रेस वन हो गया और वाई वाई हो गया तो कॉल क्या बन गई अब वन कॉमा ज़ीरो और आपने इसमें बोला कि यार डी आ जाएगा ठीक है तो आपने क्या किया इसको वेस्ट को ट्रू मार्क कर दिया होगा ठीक है अब आप यहाँ पे आ चुके हो यहाँ पे आगे आपने पूछा यार डाउन जाएगा लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा या अप जाएगा पहले डाउन पूछा इससे पूछा कि यार यहाँ से यहाँ जा सकता है उसने बोला कि हाँ यार जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ वेस्ट भी नहीं है तो भाई जा सकता हूँ तो जब आप यहाँ पर बोला हाँ ठीक है जा सकते हो तो आपने क्या कि यहाँ पर फटाफट एक स्टेट बनाता हूँ टू का माँ और ये क्या हो गया डाउन यहाँ पे आ गए हो तो इसको वे मार्क कर दो यार वे मार्क कर दिया बहुत बढ़िया अब इससे पूछा डाउन जाएगा लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा अब जाएगा पहले डाउन पूछते हैं डाउन पूछा उसमें मैला जीरो नहीं जा सकता बोला लेफ्ट जाएगा उसमें मैं बाहर थोड़ी जाऊँगा ये भी नहीं जा सकता भाई ये दोनों नहीं हो पाएगा राइट पूछा कि राइट जा सकता है उसने मतलब हा वन तो पड़ा हुआ है और यहां वेट भी नहीं है ठीक है राइट चला जाता हूं तो इसको आपने वन मार्क कर दिया ठीक है यहां पे स्ट्रेट बना दी राइट के लिए राइट के लिए स्ट्रेट बनाई तो राइट के लिए क्या था एक्स कॉमा वाई प्लस वन ठीक है क्या बन गया टू कॉमा वन और ये हो गया डी डी आर ठीक है अब इससे आपने पूछा डाउन जाएगा उसमें मैं नीचे अच्छा हाँ वन तो पड़ा हुआ और वेस्टेड भी वेस्टेड भी नहीं है तो नीचे चला जाऊंगा यार कोई दिक्कत नहीं है तो इसने नंबर नीचे चला जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है तो इसने स्ट्रेट क्या बना दी थ्री कॉमा वन और ये बन गया डी डी आर डी अब इसने बोला कि ठीक है यहाँ तो आ गया हूँ तो इसको वेस्टेड मार्क कर दो यार ठीक है इतना हो गया फिर से मुझे डाउन जाएगा उस नंबर डाउन जाऊंगा तो भाई बाहर हो जाऊंगा हाँ ठीक है लेफ्ट जाएगा लेफ्ट जाऊंगा तो जीरो पड़ा है, नहीं जा सकता मुझे तो राइट जाएगा तो राइट ठीक है वन तो पड़ा हुआ है और ये वेस्टेड भी जीरो पड़ा है ठीक है यहाँ चला जाऊंगा तो ये आसान है ये कर सकता हूँ तो वो राइट चला गया राइट में वाई प्लस होना जाता है तो क्या बन गया थ्री कॉमा टू डी डी आर डी आर डाउन लेफ्ट आर यू इससे पूछा डाउन जाएगा मतलब डाउन में बाहर आ जाऊंगा तो वो लेफ्ट जाएगा उसने मतलब लेफ्ट लेफ्ट में तो वे शुड वन पड़ा हुआ है यार लेफ्ट नहीं जा सकता अब उससे हमने पूछा कि राइट जाएगा उसने मतलब राइट वन तो पड़ा हुआ है और वे शुड भी यार ठीक है अरे ये वन मार्क करना था न वन तो पड़ा हुआ है और ये वे शुड भी जीरो पड़ा हुआ है तो चलो हाँ चला जाऊंगा जब उसने बोला चला जाऊंगा तो अगली स्टेट क्या बन गई थ्री कॉमा थ्री आर डी आर आर तो इस प्रकार तो यहां पे क्या हुआ आपका बेस कैसे हो गया लाइन नंबर हो गया तो आपका एक डेटा स्ट्रक्चर था ए एन एस नाम का उसके अंदर ये स्टोर हो गया डी डी आर डी आर आर है ना तो इस प्रकार अब डाउन आए फिर डाउन आए फिर आर फिर डी फिर आर फिर आर आपने एक आंसर निकाल लिया ठीक है मजे मजे में धीरे धीरे चल रहा है के ताकि आपको समझ में आ जाए तो यहाँ बेच के हो गए तो आप रिटर्न कर गए यार अब यहाँ से आप रिटर्न कर गए वापस आपने राइट क्लिक कॉल मार ली थी आपकी अब की कॉल बची थी आपने अब पूछा इससे ठीक है आपने अब पूछा इससे तो आपने पूछा कि अब जाएगा उसने बोला नहीं यार ऊपर जीरो पड़ा नहीं जा सकता तो अब कैंसिल हो गया फिर आप यहाँ से भी रिटर्न कर गए अब यहाँ पे भी आपकी कॉल बची थी एक एक चीज़ का ध्यान रखें जहाँ जहाँ से आप रिटर्न करते जा रहे हैं ना वहाँ पर बेचुड़ को जीरो कर देना वापस तो यहाँ से रिटर्न कर गए थे इसको जीरो कर देना यहाँ से रिटर्न कर गए थे इसको जीरो कर देना फिर तो उसके बाद जब आप यहाँ पे आके पूछते हो यार तू जाएगा आप इससे पूछते हैं आप कि यार थ्री कॉमा वन तू जाएगा क्या आप तो बोलता है कि अब यार अब तो जो है वॉलिटी वेस्ट है वन पड़ा हुआ है नहीं जा सकता है ना तो ये अलाउड नहीं है कैंसिल हो गया भाई तो ये भी नहीं कर सकते आप इस केस में तो आप यहाँ से भी रिटर्न कर गए तो आपने इसको भी ज़ीरो मार्क कर दिया थ्री कॉमा वन को भी फिर आपने टू कमा वन से पूछा कि यार तू डाउन तो तूने कर लिया था तो लेफ़्ट जाएगा क्या टूकमो वन को ये रहा टूकमोवन उसमें बोला यार लेफ्ट नहीं यार वो तो पहले से विजिटेड है तो नहीं जा सकता लेफ्ट उसने मना कर दिया उससे राइट पूछा उसने मैं राइट में जीरो पड़ा वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता ये भी मना कर दिया उससे अप पूछा उसमें मतलब अप हाँ यार वन तो पड़ा हुआ है और यहाँ ज़ीरो भी है तो हाँ वन चला जाऊंगा यार ठीक है तो ये जो है ये वाली कॉल ये वाली कॉल जो है ये अप चली गई अब जाने पे क्या करते हैं अब जाने पे हम x माइनस वन कॉमा वाई कर देते हैं तो ये चली गई वन कॉमा वन के लिए ये हो गया d d r u ऐसे ठीक है तो इसके लिए चार ऑप्शन है d l r u कौन से वाले में आप जाएंगे ठीक है तो हमने यहां पे जाके इससे पूछा एक मिनट जब आप यहां गए तो आपने इसको विजिटेड कर दिया सबसे पहली चीज तो फिर इससे पूछा डाउन जाएगा उसने बोला डाउन यार वो तो वेस्टेड है नहीं जा सकता तो डाउन कैंसिल हम बोला लेफ़्ट जाएगा इसमें बोला लेफ्ट यार वो भी वेस्टड है वो भी नहीं जा सकता तो वो भी कैंसिल हो गया हमें बोला राइट जाएगा राइट तो ज़ीरो पड़ा हुआ है राइट भी नहीं जा सकता राइट भी कैंसिल हो गया हमें बोला अब जाएगा अब तो ज़ीरो पड़ा भाई अब भी नहीं जा सकता तो यहाँ से आप वापस जो है रिटर्न कर गए यहाँ से वापस रिटर्न कर गए तो आपका अब आप वाला पार्ट भी हो गया और यहाँ से जब रिटर्न कर गए तो आपने इसको वापस ज़ीरो कर दिया फिर आपने यहाँ से भी रिटर्न कर दिया जब यहाँ से रिटर्न करके तो टू कोमा वन बी जीरो हो गया अब आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अब आप टू कोमा ज़ीरो पर स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे डी के और एल की कॉल जा चुकी है आर की कॉल पूछनी है आपको इससे तो टू कोमा जीरो यानी यहाँ पर आपने इससे पूछा राइट जाएगा तो बोला राइट सॉरी 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 वापस आते हैं वापस आते हैं तो आपको याद हो तो यहाँ पे आपने डी की एल की और आर की कॉल कर ली थी आपकी अब की कॉल पेंडिंग है तो आपने इससे पूछा यार टू कोमा जीरो ये वाला सेल अब जाएगा उसने बोला अब तो वन पड़ा हुआ भाई नहीं जा सकता अलाउड नहीं है तो भैया ये भी कैंसिल हो गया और ये रिटर्न कर गया जब ये रिटर्न कर गया तो इसने इसको वापस जीरो कर दिया अब आप कहाँ पे आ गए वन कोमा ज़ीरो पर आ गए वन कोमा ज़ीरो से पूछा हमने यार तूने डाउन की कॉल तो कर ली थी अब बता लेफ्ट जाएगा वन कोमा ज़ीरो मतलब ये वाला सेल लेफ़्ट जाएगा मतलब माला बाहर थोड़ी जाऊँगा भाई तो ये लेफ़्ट नहीं जाएगा हमने इससे पूछा राइट जाएगा उसमें माला राइट यानी यहाँ पे इसको थोड़ा और साफ़ सुथरा है एक और सेल बनाया था आपके लिए वन जीरो 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 वन वन जीरो 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 वन 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 ठीक है तो आपको और से समझ में आया तो मैंने आपसे क्या बोला कि वन कमा जीरो यानी इससे हमने पूछा ये है जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री इससे पूछा कि भाई तू राइट जाएगा यानी यहाँ जाएगा इससे बोला हाँ वन तो पड़ा हुआ है और यहाँ पे जीरो भी पड़ा हुआ है तो हाँ यार चला जाऊंगा तो यहाँ पे ये हमारे भाई साहब जो हैं इन्होंने एक फंक्शन कॉल मारी राइट right के लिए और राइट right में क्या होता है राइट right में एक्स कामा वाई प्लस वन होता है तो ये बन गया वन कामा वन और ये बन गया डी आर ठीक है इस प्रकार डी आर ये बन गया और इसके बाद आपको पता है इसके बाद जो है ये वाला जो वन है ये वाला जो वन है इसके बाद यहाँ कॉल मार देगा और फिर ये वाला पाथ दोबारा से रीच हो जाएगा है ना तो ये वाली फंक्शन कॉल पूरी चल जाएगी मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कर रहे हैं क्या कोशिश कर रहे हैं ये जो रिकर्जन ट्री है आई नो थोड़ा सा बड़ा बनेगा बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा बट हाँ आपको समझ में ही आ चुका होगा ठीक है इस प्रकार हम इस पर काम करने वाले हैं ठीक है कि आप अगर किसी भी स्टेट पे जाते हो तो उससे पूछते हो इन चार कॉल में कौन सी कॉल मारेगा भाई पहली कॉल मरवाते हो उससे पूछते हो कि सेफ है अगर सेफ है तो वहाँ चला जाओ वहां जाते हो तो फेट को ट्रू कर देते हो ऐसे इस प्रकार आप करते जा रहे हो और आप बेस केस रीच करते हो अपने को आंसर वाले डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर लेते हो ठीक है मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये थोड़ा बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मैं अभी बोलूंगा आपको कि एक बार खुद कोड करना है ये भी आपको ड्राई रन करना है उसका चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में समझ में आया कि नहीं आया आपको कमेंट करना है कि समझ आ गया भैया या लिखने की समझ नहीं आया भैया ठीक है देखे? हमने यहाँ पर आके इसको छोड़ दिया यहाँ पर आके इसको छोड़ दिया क्योंकि हमें हमें पता है कि इसके बाद जाके यहाँ से फिर दोबारा ये वाला पाथ पकड़ लेगा तो वो वाला पाथ आपके लिए होमवर्क है इसका ये बनाओगे एक बार बारजेंटरी तो आपको अच्छे से क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी एक पाथ हमने आपके यहाँ दिखा दिया निकालते हुए और एक पाथ इसका और भी निकलना है इस वाले के थ्रू तो आई थिंक आपको चीज समझ में आओ और आप इसको कर पाएंगे तो इतना ही मिलते हैं आपसे वीडियो में तब तक के लिए